मेहता का उल्टा चश्मा। यही बोलना है ना कि आज पूरी टप्पू सेना टप्पू के घर पे मिल रही है प्रोजेक्ट करने, और कुछ भी हो तो दादाजी को फोन नहीं करना है क्योंकि वो दोपहर को सो रहे होते, मुझे फोन करना है। राइट, परफेक्ट। अच्छा सुन, अभी मैं मेहता अंकल के घर पे जा रहा हूँ, ठीक 5 मिनट बाद चुपके से मेहता अंकल के घर पे आ जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। पहले गुगे सिंह को तो आने दे। धीरे धीरे धीरे, अगर किसी को पता चल गया कि हम लोग मेहता अंकल के घर में हैं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे इसलिए तो बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी पिज्जा खाते हैं, पार्टी खत्म करते हैं और निकलते हैं। गोली गोली कंट्रोल, अभी सोनू का आना बाकी है। कहाँ है वो, बुला उसको। हाँ उसको बुलाओ यार, फोन करके बुलाओ, पिज्जा सामने है यार, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं तो खा रहा हूँ भाई। नहीं 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 नहीं, गोली गोली नहीं नहीं नहीं, जब तक सोनू नहीं आएगी तब तक पिज्जा पार्टी नहीं होगी, बस। तो कोई नहीं, फोन लगा और बुलाओ उसको जल्दी यार। जल्दी यार। टप्पू का कॉल, ये जरूर मुझे पिज्जा पार्टी में बुलाने के लिए कॉल कर रहा होगा, पर मैंने तय कर लिया, मैं ना पिज्जा पार्टी में जाऊंगी और ना ही इसका फोन उठाऊंगी। फोन कट दिया क्यों, मुझे क्या पता। अरे तो पता करना यार, पिज्जा सामने पड़ा है यार, हालत खराब हो रही है, प्लीज यार वापस फोन कर। तो ये सोनू सबका फोन काट रही है, बीड़े अंकल को पिज्जा पार्टी के बारे में पता तो नहीं चल गया। अरे नहीं गोगी, अगर भीड़ अंकल को पता चल जाता तो वो कब के यहाँ पहुंच जाते। राइट। तो ये सोनू फोन क्यों नहीं उठा रही है। यार छोड़ो फ्रेंड्स, हम हमारा पिज्जा खा लेते हैं, उसका पिज्जा साइड में रख देंगे। यार गोली तू कैसी बात कर रहा है, टप्पू सेना का रूल है ना कि हम जो भी करेंगे सब साथ में करेंगे, जब तक सोनू नहीं आएगी तब तक पिज्जा पार्टी नहीं होगी, बस। और वो मैं समझता हूँ, लेकिन उसको कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे। ये टप्पू कहीं सोनू हमें अवॉइड तो नहीं कर रही है। ये भी हो सकता है, लेकिन सोनू हमें अवॉइड क्यों कर रही है, उसके लिए हमें सोनू से बात तो करनी पड़ेगी ना। एक मिनट टप्पू, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या कि मेरे फोन में 2 सिम कार्ड है, तो शायद मेरा दूसरा नंबर सोनू के पास ना हो और वो अननोन नंबर देख के फोन उठा ले। हाँ सही है, सही लगा लगा, फोन लगा। पिंकू तू सेल्समैन बन जा। क्यों? मतलब तू सेल्समैन बन के बात कर सोनू से, अगर सोनू ने अच्छे से बात की तो हम समझ जाएंगे कि वो जानबूझकर हमारा फोन अवॉइड कर रही है। वाह टप्पू वाह। हाँ अभी करता हूँ, एक फोन स्पीकर पे रख। हाँ अननोन नंबर से कॉल, ये कौन है? हेलो हेलो, क्या मैं सोनू भिड़े से बात कर रहा हूँ? जी बोल रही हूँ। मैम ये सही समय है आपसे बात करने का? ये तो आपकी बात तय करेगी। मैम मैं झुमरी बैंक से पिंकेश्वर सिंह बोल रहा हूँ। मैम आपका नंबर हमारी बैंक के लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है, तो आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। वाह इनाम, सच्ची? हाँ हाँ, तो भेजिए भेजिए, आपके पास मेरा एड्रेस है ना? है ना मैम? हाँ तो भेज दीजिए। अब वैसे गिफ्ट क्या दे रहे हैं आप? देखा 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 फ्रेंड्स, गिफ्ट का नाम सुनकर कैसे खुश होकर बात कर रही है, मतलब ये जानबूझकर हमारा फोन अवॉइड कर रही थी। ना ना मैं बात करते हैं। हेलो आप चुप क्यों हो गए? हेलो नमस्कार मैम, मैं पिंकेश्वर जी का सीनियर बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सॉरी मैम फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन हम आपको गिफ्ट नहीं भेज सकते, आपको गिफ्ट खुद आकर लेना होगा। अच्छा वैसे कहाँ आना होगा गिफ्ट लेने के लिए, और क्या है गिफ्ट? डबल चीज पिज्जा, हम आपको गिफ्ट में डबल चीज पिज्जा दे रहे हैं, और मैम आपको ये गिफ्ट खुद आकर मेहता अंकल के घर से लेना होगा। मेहता अंकल के घर? कौन बोल रहा है, टप्पू? हाँ जी टप्पू उर्फ टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। क्या सुनू आ? गिफ्ट का नाम सुनकर खुशी के मारे बात करने लगी और यहाँ पे हमारा फोन अवॉइड कर रही है तू, क्यों? क्यों क्या, छोड़ो, तुम अननोन नंबर से आवाज बदल के मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, ये तो चीटिंग है। चीटिंग? चीटिंग तो तू हमारे साथ कर रही है सुनू।
तो अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पिज्जा पार्टी नहीं करनी है, तुम लोग कर लो। यार अरे ये क्या बात हुई सोनू, मुझे टप्पू सेना का रूल पता है ना कि हम जो भी चीज करते हैं वो साथ में करते हैं। हाँ हाँ लेकिन गलत चीजों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। नहीं। लेकिन सुनो तूने वादा किया था कि तू हमारा साथ देगी। देखो पिज्जा पहुंचाने तक जितना साथ देना था मैंने दिया, अब तुम लोग पार्टी कर लो, मैं नहीं आने वाली। ओए सोनू आ जाना यार, तेरे बगैर पिज्जा पार्टी में मजा भी नहीं आएगा। हाँ। मैंने तो कहा था ना कि मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी। ठीक है सोनू, तुझे अगर पिज्जा नहीं खाना है तो मत खाना, लेकिन एटलीस्ट यहाँ आ तो जा, हमें पिज्जा खाते हुए देखना। हाँ। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी, बाबा को पता चल जाएगा फिर वो गुस्सा करेंगे। ठीक है सोनू मत आ, लेकिन हम अभी कभी तेरे घर पे आ रहे हैं और भीड़ अंकल को सब सच बता रहे हैं। हाँ। धमकी धमकी दे रहे तू मुझे, जा जो करना है कर ले। अरे यार सोनू टप्पू तुम लोग लड़ना बंद करो यार, तुम लोग के चक्कर में मेरा ये पिज्जा ठंडा होकर पापड़ हो जाएगा। सोनू प्लीज यार, तुझे पता है ना कि मुझे सुबह से कितना पिज्जा खाने का मन है, पिज्जा मेरे सामने है मुझे ऐसे तड़पाएगी, एक दोस्त को ऐसे तड़पाते हैं दोस्त। सोनू मान जा यार, देख सामने पिज्जा है, सामने गोली के सामने पिज्जा खाना है। पहले टप्पू को बोलो कि वो मुझे सॉरी बोले। क्या मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला, और मैं क्यों बोलूं सॉरी? क्योंकि अननोन नंबर से आवाज बदलकर कॉल करने का आइडिया तेरा ही होगा, और अभी बाबा को सब कुछ बताने की धमकी दे रहा था ना, इसलिए सॉरी बोल। सोनू तुझे नहीं आना मत आ, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। ठीक है तो मैं नहीं आ रही हूँ और फोन रख रही हूँ। नहीं 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 सुन यार, टप्पू बोल देना सॉरी, तू कब से दोस्ती में ईगो रखने लगा? टप्पू सॉरी बोल देना, खत्म कर बात, बोल दे टप्पू, बोल दे प्लीज सॉरी। चल अब जल्दी से यहाँ आ जा। अब खुश हो गई सोनू, अब तो इसने सॉरी भी बोल दिया, अब जल्दी जल्दी आ जाना यार, तेरे बिना पिज्जा खाने का मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है आ रही हूँ मैं। यस! ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ लेकिन मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है तो मैं दो पिज्जा खा लूंगा, तू बस आ जा यार आ जा। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, तुझे घर पे क्या बताना याद है ना? हाँ मुझे पता है। ठीक है आ जा ओके। बस यार बस थोड़ी लेकिन सोनू आएगी और पिज्जा नहीं खाएगी, मजा नहीं आएगा यार। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा गुगी, तू देखना ना ये पिज्जा में ना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो भी इसके सामने बैठता ना वो उसके ओर खींचा चला आता है ऐसे करके। बस अब सोनू भीड़ अंकल से बच के यहाँ पर आ जा। रखो रखो आई मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे अभी कहाँ जा रही है, खाना खाने का टाइम हो गया है। नहीं आई मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। अभी नहीं खाओगी तो कब खाओगी सोनू? अरे लंच तो लंच पे ही करते ना, डिनर में थोड़ी करेंगे। हाँ बाबा पर मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, अभी मुझे टप्पू के घर जाना है। अरे और कोई जगह नहीं मिली जाने के लिए? क्यों जा रही है बाबा टप्पू के घर? हाँ ऐसे लड़के के घर पे जाना ही क्यों है जो बार बार गोया से टेबल टेनिस की मैच हारता हो, या फिर उसकी हार सेलिब्रेट करने जा रही हो? तिला बोलू दिया। नहीं बाबा मैं गोली की जीत सेलिब्रेट करने जा रही हूँ, और एक कॉलेज प्रोजेक्ट भी मिला है तो उसके लिए पूरी टप्पू सेना वहाँ आ रही है, इसलिए मैं भी वहाँ जा रही हूँ। समाधान नहीं, अगर पढ़ाई करने जाना है तो गोया के घर पे जाओ, गोगी के घर पे जाओ, ये टप्पू के घर पे जाने की क्या जरूरत है? क्यों पर टप्पू के घर पढ़ाई के लिए क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, टाइम पास होगा, मस्ती होगी। क्या आप उसके पीछे पड़े रहते हो? सोनू बाड़ा तू जा बर, इनकी बातों पर ध्यान मत दे तू। थैंक यू आई। अच्छा आई कुछ भी काम हो तो मेरे ही मोबाइल पे फोन करना। हाँ तेरे ही मोबाइल पे फोन करेंगे। हाँ आई पर इन केस कभी मेरा फोन ना लगे तो आप दादाजी को फोन मत करना। क्यों? वो बाबा दोपहर में दादाजी सोते हैं ना तो बिना वजह उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। करे करे क्या बात है, देखा मेरी सोनू बेटा दूसरों का कितना ख्याल रखती है, शाबाश शाबाश, जाओ जाओ जाओ। और हाँ वो टप्पू से बोलना कि पढ़ाई पे ध्यान दे, मस्ती ना करे, कर लेना। बाबा आप चिंता मत करो। ओके बाय 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 बाय।
शांत हो जाओ, बस आती होगी गोली। चलो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी पिज्जा काटते हैं और पार्टी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात तो माननी पड़ेगी, ये पिज्जा पार्टी सिर्फ और सिर्फ अब्दुल भाई की वजह से ही हो रही है। हाँ हाँ, तो कर देते हैं अब्दुल भाई के लिए थ्री चीयर्स। थ्री चीयर्स फॉर अब्दुल भाई। हे बेब हुर्रे, हे बेब हुर्रे, हे बेब हुर्रे। वैसे तो बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने बच्चों की मदद करके, लेकिन बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। फिर भी चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा, कोई आ ना जाए। जल्दी से इनकी पार्टी खत्म हो और मैं चैन की सांस लूं। ऊपर वाले बिना किसी टेंशन के टप्पू सेना की पिज्जा पार्टी करवा देना। गेट सेट गो। सुनो आना, बैठना, पिज्जा खाते हैं। हाँ आजा 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 बैठ जा बैठ जा आजा आजा। हाँ हाँ मैं बैठती हूँ, लेकिन मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी और तुम लोग भी मुझसे पिज्जा खाने की जिद नहीं करो। अच्छा ठीक है, तुझे नहीं खाना तो हम शुरू कर रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है। अरे सोनू अरे फ्रेंडशिप बैंड टप्पू, क्या मस्त फ्रेंडशिप बैंड है पिज्जा के साथ। हाँ ऑफर चल रहा है अभी। यार ये सब छोड़ो, पिज्जा खाना शुरू करते हैं। जो बोला था ना उन्होंने करके दिखाया, थैंक यू सो मच। तो फिर वाह क्या बात है। सुनो ये पिज्जा ना बहुत टेस्टी है, तू मिस कर रही है। हाँ पिज्जा है यार, क्या पिज्जा है, मजा आ गया। सुनो एक बाइट चाहिए? अरे लेना सुनो, एक बाइट तो लेना। क्या पिज्जा है यार। बोली 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 बुला रहे क्या? वो बोले तू पिज्जा की तारीफ क्यों नहीं कर रहा? डब्बू यार मैं पिज्जा की ना तारीफ करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, पिज्जा बेस्ट ही होता है। बराबर बोला, बराबर बोला। पिज्जा तो बहुत कमाल का है यार, कमाल का है। न जाने कब ऐसा टेस्टी पिज्जा खाने मिलेगा। डिलिशियस, वेरी डिलिशियस, डिलिशियस। फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक हमें ऐसा टेस्टी पिज्जा खाने मिलेगा। और फ्रेंड्स हम पांचों में से हम चार इतने लकी हैं कि हम इतने टेस्टी पिज्जा की पार्टी कर रहे हैं। वाह मजा आ गया। इनकी बातों से तो लग रहा है पिज्जा बहुत ही टेस्टी है। अरे हम लोग तो डबल लकी है टप्पू, हमें सोनू का भी तो पिज्जा खाने मिल रहा है। अच्छा फ्रेंड्स मैं क्या कहता हूँ, पहले हम सोनू वाला पिज्जा खा लेते हैं, हमारा पिज्जा हम बाद में खा लेंगे, क्या बोलते हो? हाँ खोल सोनू का पिज्जा, खोल जल्दी जल्दी खोल ना। हाँ खोल खोल। हाँ 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 वाह। ओहो हो 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 हो। वाह भाई वाह, दिखने से ही कितना टेस्टी लग रहा है। नहीं फ्रेंड्स सोनू पिज्जा ना खाने के लिए थैंक यू सो मच। और सोनू तेरा वाला पिज्जा ही सबसे टेस्टी लग रहा है ना फ्रेंड्स? हाँ। बेचारी सोनू प्रतिष्ठा में अपने प्राण गंवा बैठी। अच्छा फ्रेंड्स मैं क्या कहता हूँ हम जल्दी से सोनू का पिज्जा खत्म कर लेते हैं, पर ना क्या है कि अगर सोनू का मन बदल गया ना तो हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। लो 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 ये ले ले ले। अरे सोनू चिली फ्लेक्स तो डाल खाते हुए। क्या बात है सोनू,
तू तो पिज्जा नहीं खाने वाली थी। अरे फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला था ना। ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझ लो, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ रही थी। मुझे पता था मैं यहाँ आऊंगी और तुम सबको देख के मुझे पिज्जा खाने का मन करेगा और फिर तुम सब मेरा मजाक बनाओगे। सोनू, हमें पता था कि तू यहाँ पर आएगी और पिज्जा को देख के तू पिज्जा के लिए पागल हो जाएगी, इसलिए हमने पहले से एक पिज्जा एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया था। वेरी स्मार्ट हां टप्पू। अरे पिज्जा का और मजे का है। हाँ, मजे कर, मजे कर, मजे कर। चलो चलो फ्रेंड्स, जल्दी पिज्जा खत्म करते हैं और घर निकलते हैं। मम्मी को शक हो ना तो पहले घर पहुंचना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ, पिज्जा के साथ डांस हो जाए। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। बेबी बेबी तो टप्पू के आ गया है प्रोजेक्ट के लिए। हाँ भाई, हाँ तू भी अपना ख्याल रखना है। पता नहीं बेबी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। चल मुको जा फोन। ये टप्पू अभी तक क्यों नहीं आया, बहुत देर हो गई। उसने कुछ खाया होगा कि नहीं। उमल बेटी को फोन करके पूछ लेता। चाचा जी को फोन करके पूछ लेती हूँ। ओहो, उमल बेटी का फोन तो बिजी आ रहा है। ये चाचा जी का नंबर क्यों नहीं लग रहा। पर मैं तो भूल गया, अपू ने बोला था कि कुछ भी काम होना दादाजी तो मुझे फोन करना। बेबी ने कहा था चाचा जी दोपहर को सोते हैं। टप्पू को ही करता हूँ, बेबी को ही फोन कर देती हूँ। अरे बाप रे, दादाजी का फोन। म्यूजिक बंद कर, म्यूजिक बंद कर। फ्रेंड्स, मम्मी का फोन। उमल आंटी और दादाजी का फोन एक साथ, कहीं ने पता तो नहीं चल गया। टप्पू को ही करता हूँ, बेबी को ही फोन कर देती हूँ। अरे बाप रे, दादाजी का फोन। म्यूजिक बंद कर, म्यूजिक बंद कर। फ्रेंड्स, मम्मी का फोन। उमल आंटी और दादाजी का फोन एक साथ, कहीं ने पता तो नहीं चल गया। अरे सोनू, शुभ शुभ बोल। गोली गोली तो थोड़ा दूर जाके बात कर, मैं यहाँ बात करता हूँ। जी बोलिए दादाजी। हाँ टप्पू बेटा, क्या हो रहा है। बस कुछ नहीं। कुछ नहीं, पर बेबी तू तो वहाँ प्रोजेक्ट के लिए गया था ना। हाँ मतलब कॉलेज के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है दादाजी, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं। खाओ तो रहा हूँ मम्मा। गुड, क्या खा रहा है। पनीर, पनीर की सब्जी बनाई थी आज कोमल आंटी ने। अरे वाह, पनीर की सब्जी। ठीक है बेबी, अच्छे से खा लेना। टप्पू बेटा, थोड़ी मेरे लिए भी लेके आना। सब्जी तो दादाजी हम सब खा गए, खत्म हो गई, सॉरी। ठीक है, प्रोजेक्ट खत्म होते ही सीधे घर चले आना। जरा चाचा जी को फोन दो। दादाजी, कोमल आंटी से कैसे बात करूं अभी, मैंने आपको कहा था ना कि वो दोपहर में सो जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, चाचा जी को सोने दो। और हाँ, तुम लोग भी शोर मत मचाना। हाँ, बिहेव वेल बेबी। ओके ओके मम्मा, ठीक है, चल रखता हूँ। हाँ ओके, बाय दादाजी। सपनी, बच गए भाई, बाल बाल बच गए। मम्मी को बिल्कुल शक नहीं हुआ और दादाजी को भी। क्या तुम लोग इतना डर गए थे। अरे मजे करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना टप्पू। और म्यूजिक ऑन बिट्टू। आप लोगों को क्या लग रहा है कि अंदर पिज्जा पार्टी चली और मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहानी के हिसाब से मैं आज जरूर जल्दी ऑफिस से निकल गया और जल्दी घर पहुंचने वाला हूं। अब आप सोचिए कि टप्पू सेना की इस पिज्जा पार्टी में और मेरे ऑफिस से जल्दी घर आने में कोई कनेक्शन है। टप्पू सेना ये जो कर रही है झोल, मेरे घर के अंदर जो कर रही है झोल, कहीं खुल ना जाए ये पोल। अगर पोल खुल गई तो सोचिए मैं कितना बड़ा हंगामा करूंगा। और भाई, किसी के घर में आप बिना पूछे बिना इजाजत के घुस जाएं और इस तरह से पार्टी करें तो हंगामा तो होगा ही, और यदि होगा हंगामा तो वहां होंगे ठाक। अब देखिए हंगामे में कितनी हंसी छुपी है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
ये अब्दुल से कोई चूक हुई है, अंजलि जरूर आई होगी। हाय अब्दुल भाई। अंजलि भाभी आप आ गई? मैं आ गई। नहीं नहीं नहीं, अंजलि को फोन नहीं लगाता, अंजलि को लगेगा कि मैं बहाने बना रहा हूँ। मैंने ही पिज्जा खाया और बचने के लिए सब कहानी सुना रहा हूँ। बाय बाय बाय। मैं डब्बा ही बाहर फेंक देता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।